नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं जो सक्सेस स्टोरी आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ, ये एक बहुत लंबे गैप के बाद में पार्टनर मैनिफेस्टेशन की सक्सेस स्टोरी है। इसके अंदर करियर की भी सक्सेस स्टोरी है। इन्होंने बहुत शॉर्ट में लिखी है, तो मैं फटाफट पहले सक्सेस स्टोरी पढ़ देती हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसके अंदर करियर भी मैनिफेस्ट हुआ है। तो बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि करियर मैनिफेस्टेशन की आप सक्सेस स्टोरी शेयर करिए, तो ये उनके भी काम आएगी और पार्टनर के लिए भी। पार्टनर के लिए तो सबसे ज़्यादा ही कॉमेंट्स आते हैं मुझे, तो उनकी भी ये सक्सेस स्टोरी है। हाँ जी हाँ जी, तो सक्सेस स्टोरी शेयर करने के पहले ही बिल्कुल मना करा गया है कि आई एम एक्सट्रीमली सॉरी शांभवी दी, मैं अपना नाम नहीं देना चाहती हूँ सक्सेस स्टोरी में, लेकिन मैंने अपने पार्टनर को और अपने ड्रीम करियर को मैनिफेस्ट किया है। मैं HR की पोस्ट पाना चाहती थी जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल थी, और मैंने इसके लिए 21 days मैनिफेस्टेशन मेथड यूज़ किया था और मुझे 2 महीने के बाद में HR की जॉब मिल गई। आई एम रियली वेरी हैप्पी क्योंकि ये मेरी ड्रीम जॉब थी और मैं MNC में भी काम कर चुकी थी और मुझे ऐसा लगता था कि बस मैं काम करना चाहती हूँ। तो अब मैं जिस कंपनी में हूँ वो भी MNC ही है और उसमें मैं HR बन गई हूँ। आई एम रियली वेरी 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 हैप्पी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। मैं अपनी फर्म का नाम शेयर नहीं कर सकती हूँ इसलिए मैं नहीं शेयर करना चाहती हूँ, पर मैं आपको बस ये बताना चाहती हूँ कि मैं बहुत बड़ी कंपनी में काम कर रही हूँ। आई एम रियली वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल। अब इसके बाद मैं शेयर करना चाहती हूँ मेरे पार्टनर के लिए भी। पूरी तरह से ब्रेकअप के बाद नो कॉन्टैक्ट जोन में जाने के बाद में भी मेरे पार्टनर को मैंने ऐसे ही मैनिफेस्ट किया था। मैं अच्छी अफर्मेशंस देती थी और उनके लिए अच्छा सोचती थी। इसी बीच में मैं अपनी जॉब की तैयारी के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान थी और बहुत ज़्यादा भाग रही थी, तो पार्टनर को मैनिफेस्ट करने के बाद में मैं भूल गई। मेरे ध्यान से जैसे ही निकला मेरे पार्टनर मेरी लाइफ में वापस आ गए और इस तरह से आए हैं जैसे कि हम दोनों के बीच में कभी कुछ हुआ ही ना हो, और हम दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार और रिस्पेक्ट बढ़ गई है जो कि पहले हमारे रिश्ते में बिल्कुल भी नहीं थी। मैं अपनी जॉब और अपने पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके ओके, तो MNC मतलब मल्टी नेशनल कंपनी। ओके, कंपनी का नाम इन्होंने नहीं दिया है, उसमें HR की पोस्ट पर हैं ये, और इन्होंने यही वाली जो पोस्ट थी उसको मैनिफेस्ट किया था। ऑब्वियसली पहले से ये जॉब कर रहे थे तो एक्सपीरियंस क्या था कितना था वो इन्होंने नहीं मेंशन किया है, बहुत शॉर्ट में लिख करके सक्सेस स्टोरी भेजी है। और बहुत ज़्यादा सच बताऊँ तो इन जॉब्स का ना मुझे आइडिया नहीं है, बहुत ज़्यादा क्या मुझे आइडिया ही नहीं है जॉब्स का। मैंने कभी ऐसे कंपनीज में जॉब नहीं करी है तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। बस मुझे ये पता है कि हाँ HR एक पोस्ट होती है, MNC मल्टीनेशनल कंपनी होती है। आप लोगों के डिजायर्ड जॉब से जुड़ी हुई बातें, सक्सेस स्टोरी या क्वेरीज, या आप लोग कॉल पे भी मुझसे जब अपने ड्रीम जॉब या किसी पोस्ट के लिए मैनिफेस्टेशन की बात करते हो तो उधर भी बात आती है, तो वहाँ से थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा कि अच्छा अच्छा। बाकी मैंने बहुत कम जॉब्स के बारे में सुना है, देखा है, प्रैक्टिकली अगर मैं कहूँगी तो बहुत कम पता है मुझे, ठीक है। तो इनकी सक्सेस स्टोरी इसलिए मेरे को शॉर्ट में बहुत ज़्यादा समझ में भी नहीं आई, मैं सच्ची बोलूँ। बस मुझे इतना समझ में आया कि एक मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर HR की जो पोस्ट होती है उस पर इन्होंने मैनिफेस्ट किया था 21 days के। बहुत सारे मेरे मैथड हैं, आप कोई भी एक मैथड को पिक कर सकते हो अगर आप भी 21 days के मैथड पर मैनिफेस्ट करना चाहते हो। पार्टनर के लिए इन्होंने कौन सा मेथड लगाया वो भी नहीं लिखा है, बहुत शॉर्ट में है इसलिए मैं कह रही थी कि पूरी तरीके से नहीं लिखी हुई है। पर यहाँ पर मैं यही कहना चाहूँगी, पार्टनर के लिए आप पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव अफर्मेशंस दीजिए, पॉजिटिव आप जो भी मेथड करना चाहें, 21 days वाला ही चाहे मेथड करना चाहें, बहुत अच्छा और बहुत पावरफुल मेथड है, तो वो भी आप कर सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से काम करता है 21 days वाला स्पेशली जो मेथड है ना। देखिए मेथड तो सारे ही काम करते हैं, डिपेंड करता है कि आप कितना कंसिस्टेंट हैं, आप कैसा फील कर रहे हैं, आप कितना जल्दी अपने सबकॉन्शियस को रेडी कर पाते हैं। मेथड आपके मैनिफेस्टेशन में सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग हैंड वाला रोल प्ले करता है, बस
बाकी सारा काम आपको होता है, आपकी कंसिस्टेंसी का होता है, आपके फील करने का होता है और उससे डिटैच होने का होता है। तो जैसे आप डिटैच होते हैं वो आपसे अटैच हो जाता है, तो ये ऐसे काम करता है। ठीक है, खैर ठीक है, शॉर्ट में हमने लॉन्ग स्टोरी समझने की कोशिश की और जैसे मैनिफेस्टेशन होता है वो मैंने बीच में से निकाल करके आपको बताया कि इस तरीके से अगर आप मैनिफेस्ट करते हैं, मेथड करा, डिटैच हो जाइए, छोड़ दीजिए, अपने आप चल करके चीज़ आपके पास में आ जाएगी, आपको जो उसके उस ज़रूरी एक्शंस हैं, इंस्पायर्ड एक्शंस हैं, जो भी चीज़ें आपके सामने आ रही हैं वो करते चले जाइए, डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। पार्टनर मैनिफेस्टेशन के लिए भी ऐसा ही है, पॉजिटिव रहिए, जितना ज़्यादा हो सके सेल्फ पे काम कीजिए, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी ही होगी। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आपसे कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यारा। लव यू ऑल।